हाय गाइस, जैसा कि आपने सुना होगा, 23 मई से पेटीएम पेमेंट बैंक लॉन्च होने वाला है और आपके पेटीएम में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। तो उन सभी चेंजेस और अपडेट्स के बारे में मैंने इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स जंप इनटू इट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पेटीएम वॉलेट की ओनरशिप ट्रांसफ़र की जा चुकी है 197 लिमिटेड से पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड पे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब जो भी आपके पेटीएम वॉलेट के ट्रांजेक्शन होंगे वो मेंटेन करेगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। अब जो भी नई नई चीज़ें आई हैं उनके बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने अपने वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि पेटीएम पेमेंट बैंक एक नया बैंकिंग मॉडल होगा और जो भी आपका डिपॉजिटेड अमाउंट होगा वो ये लोग इन्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, जो कि यूज़ होने वाला है इंडिया के डेवलपमेंट के लिए। तो पेटीएम पेमेंट बैंक की जो भी सर्विसेज हैं उनको अगर आपको यूज़ करना है तो आपको इसके लिए रजिस्टर करना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। लेकिन अभी ये टेस्टिंग मोड में है, तो अगर आपको रजिस्टर करना है तो आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा रिक्वेस्ट एंड इन्वाइट। आप उस पर सिंपली क्लिक कर दीजिए और अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल दीजिए। लेकिन ये सारी सर्विसेज अभी ये अपने एम्प्लॉयज़ और एसोसिएट्स को ही दे रहे हैं और अभी ये टेस्टिंग मोड में है। अब नीचे अपन जाते हैं तो इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पे ये अपने केवाईसी सेंटर सेटअप कर रहे हैं। अगर आपका अभी तक केवाईसी सेटअप नहीं हुआ है पेटीएम के लिए तो आपको ये अलग से सेटअप करवाना पड़ेगा उसी अकाउंट में, या फिर आप नया अकाउंट भी खुलवा के उसमें सेटअप करवा सकते हैं और उन्हीं लोगों को ये सेटअप करवाने देंगे जो कि इस चीज़ के लिए एलिजिबल होंगे। नीचे जो लिखा हुआ है यहाँ पे बताया गया है कि आप अगर 25,000 रुपये यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं तो आपको 250 का कैशबैक यहाँ पे दिया जाएगा। अब 25,000 रुपये आप करेंगे नहीं करेंगे वो आपके ऊपर है। नीचे बाकी सारी जो डिटेल इन्होंने बताई है यहाँ पे कि आपका मिनिमम अकाउंट बैलेंस 0 भी रह सकता है, इंटरेस्ट रेट आपको 4% पर ईयर मिलेगी जो कि पेएबल होगी मंथली। मतलब कि आपको अगर 100 रुपये आपने एक साल के लिए जमा करे हैं तो आपको 12 महीने के लिए आपको उस पर 4 रुपये मिलेंगे, मतलब कि आपको 4 रुपये में से थोड़ा अमाउंट आपको हर महीने मिलता रहेगा। जो अच्छी चीज़ इन्होंने यहाँ पे करी है कि यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें जो है वो फ्री है, अनलिमिटेड IMPS UPI NEFT सारी चीज़ें यहाँ पे अनलिमिटेड है। अब बात करते हैं डेबिट कार्ड और चेकबुक की। यहाँ पे रुपए डेबिट कार्ड आपको दिया जाएगा जो कि फ्री होगा, लेकिन एनुअल सब्सक्रिप्शन जो फी होगी वो होगी 100 रुपये प्लस डिलीवरी चार्जेस। अगर आपका कार्ड खो जाता है तो उसकी फ़ी होगी 100 रुपये प्लस डिलीवरी चार्जेस। आपकी जो चेकबुक होगी उसमें आपको 10 चेक दिए जाएंगे और उसकी भी फीस होगी 100 रुपये प्लस डिलीवरी चार्जेस। अब पेटीएम के नए ATM भी आने वाले हैं। हाँ, आपने सही सुना, यहाँ पे पेटीएम अपना ATM भी निकालने वाला है। अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आप 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं एवरी मंथ और उसके बाद आपको 20 रुपये देने होंगे हर कैश विड्रॉल पे। और अगर आप बैलेंस चेक करते हैं तो आपको 5 रुपये देने पड़ेंगे। और अगर आप मेट्रो लोकेशन में रहते हैं तो आप मिनिमम 3 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं जो कि फ्री होंगे। उसके बाद अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं तो 20 रुपये है और बैलेंस चेक करते हैं तो 5 रुपये है। और पासबुक जो होगी आपकी ऑनलाइन पासबुक फ्री होगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और एक ईमेल स्टेटमेंट भी होगा जो कि वो भी फ्री होगा। अगर आप कोई भी इन दोनों में से कोई भी ऑनलाइन मेथड ऑप्ट करते हैं तो ये दोनों फ्री होगा। अगर आपको फिजिकल एक पासबुक चाहिए, जैसे कि अभी हमको और भी बैंक प्रोवाइड करते हैं, तो वो 50 रुपये की एक पासबुक होगी जिसमें डिलीवरी चार्जेस भी होंगे। अच्छी बात यह है कि ये पासबुक फ्री होगी वीमेन के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए और आर्म फोर्सेस के लिए। तो जैसा कि पेटीएम पेमेंट बैंक लॉन्च हो चुका है, अब ये खुद ही एक बैंक बन चुका है पेटीएम। अब आप जैसा कि पहले पेटीएम से अपना पैसा मंगवा सकते थे अपने बैंक अकाउंट में, ऐसा अब आप नहीं कर पाएंगे। अपने घर पे आप अपना पैसा नहीं मंगवा पाएंगे। ऐसा नए अपडेट्स आए हैं और जो भी नए अपडेट्स आने वाले हैं उन सभी के ऊपर मैं एक नया वीडियो बनाने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर कोई भी आपका डाउट या कुछ भी रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा। सो गाइज, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।